हे गाइस, वेलकम टू आवर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 3rd की मैग्नेटिक फील्ड्स की, जिसमें हमने पढ़ा था पहले। इसके 5-6 पार्ट्स बन चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसके पार्ट 7th की, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी हमें सर्कुलर कोयल के लिए, लेकिन अब हम क्या निकालेंगे, उसकी एक्सिस पे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका डायग्राम एक बार पहले ध्यान से देख लो, फिर इसकी डेरिवेशन शुरू करते हैं। और थ्योरी तो मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप लोगों को प्रदीप्स वगैरह की बुक्स में भी इजीली मिल जाएगी। तो आप लोगों ने क्या कोशिश करनी है कि थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करने के बजाय समझने में फोकस करना। ठीक है, तो ये मैंने एक सर्कुलर कॉइल ले ली है, जिसमें कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है, करंट चल रहा है। ठीक है, तो ये करंट चल रहा है सेंटर से लेके एक ऊपर के आर्क तक का डिस्टेंस जो हमारे पास है ए, तो इसको आप ए बोल सकते हो, रेडियस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने माना है ए। अब यहाँ पे हमने इसके पास में कोई पॉइंट एज्यूम कर दिया जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट मान लिया है पी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पी पॉइंट मान लिया है। ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना दे रखा है, एक्स। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये आपके पास है ए और ये आपके पास क्या है, एक्स। ठीक है, अब जब यहाँ से तो आप इस पॉइंट को भी इससे मिलवा दो, इस पॉइंट को भी इससे मिलवा दो, मिला दिया, दोनों मिलके कौन सा एंगल बनाएंगे, फाइव फाइव बना दिया। अब अगर उन्होंने यहाँ पे फाइव फाइव बनाया है, ये क्या होती है, वाई एक्सिस होती है ना, ये ऊपर की तरफ, और इस तरफ कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस होगी और ये क्या होगी, वाई डैश एक्सिस, और ये क्या होगी, एक्स एक्सिस। इतना समझ आ गया। अब देखो, अगर ये एंगल फाइव है तो ये एंगल भी फाइव हो जाएगा, ये फाइव है तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइव। यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगी, डी बी। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं वाई के डायरेक्शन में, तो क्या जाएगी यहाँ पे, डी बी, और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगी, डी बी डैश। ठीक है, क्योंकि ये क्या नेगेटिव एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस डैश के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगी, डी बी डैश। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डी बी कॉस फाई, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डी बी डैश कॉस फाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों एरोज हैं, एक्स के ऊपर ही जा रहे हैं, एक हमारे पास डी बी साइन फाई हो जाएगा, एक हमारे पास डी बी डैश साइन फाई हो जाएगा। डायग्राम समझ आ गया। अगर डायग्राम समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, डायग्राम समझ आने के बाद ही डेरिवेशन समझ आती है। अब डायग्राम को नोट कर लिया आप लोगों ने अच्छे से, अब आ जाओ डेरिवेशन पे। डेरिवेशन में मैं क्या बोल रही हूँ कि जो पी सी है, आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मतलब आपको बी निकालना है, बात इतनी है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, बायोट सेवर्ट ला लगा दोगे। लगा दिया आपने बायोट सेवर्ट ला, पढ़ चुके हैं ना हम ये सेकंड पार्ट की वीडियो में। अगर आप लोगों को डाउट है, आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत होती है, काफ़ी वीडियोज़ है, तो मैं क्या करूँगी, जो जैसे आज मैंने पार्ट 7 करवाया, तो मैं जो पहले पार्ट 6 है पढ़े, उनकी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, आप लोग चाहो इजीली वहां से जाके क्या कर सकते हो, क्लिक करके देख सकते हो। तो बायोट सेवर्ट ला हमने लगा दिया, बायोट सेवर्ट ला लगाने के बाद साइन हमने 90 डिग्री क्यों किया, क्योंकि ये क्या परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, 1। साइन 90 क्या होता है, 1। तो आई डी एल बाय में अब आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ये क्या है एक्स, ये क्या है ए, और इसको मान लो क्या है आर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको, कैसे निकालोगे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इजीली निकाल दोगे ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, आर की वैल्यू को निकाल के यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, ये तो मैंने निकाला डी बी, डी बी निकाला मतलब मैंने ये पॉइंट निकाल दिया। अब मुझे क्या निकालना है, डी बी डैश, अब मुझे ये निकालना है, तो ये भी निकाल दो, नीचे की ट्रायंगल एज्यूम कर लो, नीचे भी यहाँ पे एक्स है, तो ये भी क्या रेडी हाई है, तो ये भी ए हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, आर। तो सिमिलरली वही फॉर्मूला पुट कर दो, आर स्क्वायर साइन 90 डिग्री, तो देखो सेम आ गया ना, कुछ अलग आया नहीं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या पता चला कि डी बी इक्वल है डी बी डैश के, इतना पता चल गया आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आप डी बी को लो चाहे डी बी डैश को लो, आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपको क्या निकालना है, खाली मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेट करते टाइम मैंने यहाँ पे साइन फाई क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फाई एंगल बन रहा है, तो इसलिए हमने इसको साइन फाई लिखा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू, डी बी की वैल्यू ऊपर से उठा के क्या है, ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे। पुट करने पे ये आया, अब अंदर क्या रहेगा, खाली डी एल रहेगा, बाकी सारी टर्म क्या आ जाएगी, बाहर की तरफ। तो डी एल का जब आप करोगे, सर्कुलर के लिए क्या रहता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 2πr, तो यहाँ क्या आ गया, 2πa, क्योंकि r की जगह हमने रेडियस ले रखी है a। क्या होता है नॉर्मली 2πr, आर रेडियस के लिए होता है, यहाँ पे हमने ए ले रखी है, तो 2πa हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे साइन फाई कितना आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, साइन है, साइन कैसे निकालते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ऐसे निकलता है ना, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए हमारे पास, हाइपोटेन्यूज क्या है, आर जो हमने निकाला था। अब आपको साइन फाई और डी एल की वैल्यू को क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है।
हमने क्या किया, इसके अंदर साइन पाई की और टू पाई आर मतलब डीएल की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास बी की वैल्यू निकलती आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वन है, ये वन बाई टू है, तो क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू। अब अगर हमारे पास एन टर्म्स ऑफ द कॉइल दे रखी हो तो एन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे डेरिवेशन तो कंप्लीट, इसके बाद दो तीन छोटे छोटे लॉज हैं वो देख लेते हैं एक बारी के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, एम्पियर सर्किट लॉ। इसकी क्या है, इसका प्रूफ भी दे रखा है आपकी बुक्स में, दे रखा होगा काफ़ी बुक्स में, और अगर आप लोग चाहते हो आपको प्रूफ भी करना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कह सकते हो, तो मैं इसका प्रूफ की भी एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी। अभी के लिए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी अराउंड ए क्लोज्ड पाथ, बी के अराउंड क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ का सिंबल होता है ना ये, तो वो इक्वल किसके होगा, म्यू नॉट आई के। मतलब क्लोज पाथ में अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड पड़ी है डीएल लेंथ के साथ तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, म्यू नॉट आई के इक्वल हो जाएगी, जितना उसके अंदर से करंट चल रहा है। ये मैंने एग्जांपल लिया कि जब दो करंट चल रहे हो, ठीक है, आप इतना छोड़ के सीधा करंट भी लिख सकते हो। तो एम्पियर सर्किट ला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। अब मैंने क्या लिया, एक बहुत लंबी वायर ले ली, उसके अलोंग आपको करंट निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको मैंने क्या करा, बिल्कुल एक स्टेप की डेरिवेशन थी तो इसका कोई पर्टिकुलरली डायग्राम भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर सर्किट ला यूज़ करो। एम्पियर सर्किट ला क्या कहता है, यही कहता है हमें, अब हमने बी को क्या किया, बाहर निकाल दिया, तो डीएल का इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, टू पाई आर। तो यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू सीधी आ जाएगी, म्यू नॉट बाई में फोर पाई टू आई बाई में आर। अब ये जो है ना, ये मोस्टली पूछा जाता है, काफ़ी बार आता है, ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पूछा जाता, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। इसमें क्या आता है, सीधा न्यूमेरिकल आ जाता है, आपको क्या देते थे, एक स्ट्रेट वायर दे देते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, तो आप सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास काम आता है सोलेनोइड क्या होता है और टूरोइड क्या होता है। सोलेनोइड और टूरोइड क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों का फॉर्मूला भी सेम होता है, सिर्फ हल्का सा स्ट्रक्चर में फर्क होता है। सोलेनोइड तो हम 10th क्लास की वीडियो में पढ़ चुके हैं ना, सोलेनोइड क्या होता है 10th क्लास के सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, तो डिटेल उसके डायग्राम्स वगैरह मैंने सारे उसमें बना रखे हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, अगर आपको डिटेल करनी है तो, बार बार एक ही चीज़ करने से क्या होगा कि आप लोगों का टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। तो सोलेनोइड होता क्या है, सोलेनोइड इज अ कंसिस्ट ऑफ अ इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, हेलिक्स की फॉर्म में क्लोजली वाउंड होते हैं। इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर, डायमीटर से बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल में म्यू नोट एन आई, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नोट क्या है कॉन्स्टेंट, एन क्या है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स और आई क्या है करंट। तो टोरॉइड भी इसी की तरह होता है, टोरॉइड का भी सेम फॉर्मूला होता है, बस फर्क क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो सोलेनोइड होता है हेलिक्स की जगह क्या होता है, एक रिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, तो गाइज आप छोटी सी वीडियो का पार्ट था, अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।